अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीक के वीडियो लेक्चर्स में हम जो थर्ड केस स्टडी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में, जिसका नाम है स्टूडेंट प्रोग्राम, वो हम स्टडी करेंगे। ये बहुत ही क्लासिकल एआई का प्रोग्राम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। इसमें हम दो ह्यूमन क्वालिटीज को जो है वो देखेंगे कि उनको सॉफ्टवेयर की फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया गया है। एक तो कम्युनिकेशन और नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा जो है मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि ह्यूमन बीइंग्स जो है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह से जो है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकता है। तो बहुत ही इंटेलिजेंट प्रोग्राम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। इस वीक में हम जो है इसका कोड और लॉजिक भी अंडरस्टैंड करेंगे, इसको हम रन करके भी देखेंगे पाइथन के इन्वायरमेंट में। तो बेसिकली इस वीक हमारे ऑब्जेक्टिव्स में एक तो यह है कि हमने असाइनमेंट का सोल्यूशन, जो कि पैटर्न मैचिंग का इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, वो इसके स्टडी में भी यूज होगा, उसका सोल्यूशन हमने देखना है। असाइनमेंट 9 जो कि पैटर्न मैचिंग से रिलेटेड थी, उसका सोल्यूशन डिस्कस करना है। उसके बाद स्टूडेंट प्रोग्राम का हमारा इंट्रोडक्शन होगा, किसने बनाया, किस लास्ट सेंचुरी में बनाया गया। फिर एग्जाम्पल कॉल्स के साथ हम डेमो प्रोग्राम पाइथन में रन करके इसे देखेंगे, इसे मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। उसके बाद जो है हम इसका जो है मॉड्यूल्स या लॉजिक जो है वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि पाइथन का कोड है तो पाइथन के कोड में बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत आसान कर दी गई है, लाइक वेरिएबल्स वगैरह को डिक्लेयर करना, उनको यूज करना, लूपिंग की स्टेटमेंट्स, बहुत जो है ये पाइथन प्रोग्रामिंग जो आसान है। तो उसका कोड हम डायरेक्टली जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इट इज लाइक इंग्लिश सूडो कोड की फॉर्म में हमें नजर आता है, और जो है हम इसे जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि इंग्लिश पैराग्राफ में से कुछ नॉइज वर्ड्स को रिमूव करने की लॉजिक किया है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो नॉलेज बेस है बैक एंड पे, जिसे हम स्टूडेंट रूल्स कहते हैं, कि इंग्लिश के सेंटेंसेस को, फ्रेगमेंट्स को मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना, उसका जो है कंप्लीट नॉलेज बेस है। अगर आपने इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को, सॉफ्टवेयर की स्टूडेंट प्रोग्राम की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इंक्रीज करना है, तो आपको नए स्टूडेंट के रूल्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड करने होते हैं, इसके नॉलेज को एक्सटेंड करना होता है। इसके अलावा जो इसका पहला मॉड्यूल है ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन मॉड्यूल, जो कि इंग्लिश पैराग्राफ को इक्वेशंस में कन्वर्ट करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो दूसरा मॉड्यूल है, जो कि उन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को, मैथमेटिकल इक्वेशंस को जो सॉल्व करता है, वो उसकी लॉजिक, उसके कोड, उसके एल्गोरिदम्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में जो है हम कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली ये हमारी जो केस स्टडी जो है दो वीक्स में हम इसे कवर करेंगे। पहले वीक में हम जो है ये पहला मॉड्यूल करेंगे, जो कि इंग्लिश पैराग्राफ हम देखेंगे कि उसकी इक्वेशंस बनाता है, उसे इक्वेशंस में कन्वर्ट करता है। तो इन ऑब्जेक्टिव्स पे सबसे पहले जो है हम असाइनमेंट का सोल्यूशन देखते हैं, और असाइनमेंट के सोल्यूशन में सबसे पहले जो है जो हमारा पैट मैच का कोड था, मेन मैच पैटर्न फंक्शन जो है उसको देख लेते हैं। और उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन था मैच सेगमेंट का, वो हम सोल्यूशन के साथ ही साइड पे हम स्लाइड के ऊपर लिख लेंगे। तो ये मैच पैटर्न का एम फंक्शन है, एलएसएम में भी यूज हो रहा है और स्टूडेंट में भी यूज हो रहा है, इसलिए हम अपनी असाइनमेंट के सोल्यूशन के लिए इसे हम गो थ्रू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। और ये कोड हमें जबानी अब याद हो जाना चाहिए, हमें इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि इसमें 5 कंडीशंस है। पहली कंडीशंस की अगर ये बाइंडिंग जो है ये फॉल्स होती है, तो तब हमारी मैचिंग जो है वो नहीं हो सकती। दूसरी कंडीशन, अगर पैटर्न और इनपुट दोनों इक्वल होते हैं, तो बाइंडिंग, ये जो हमारा आंसर वेरिएबल है, ये रिटर्न हो जाए। ये हमने लास्ट वीक में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था, 5 कंडीशन है। तीसरी कंडीशन, पैटर्न अगर लॉजिकल वेरिएबल होता है, लॉजिकल वेरिएबल मीन क्वेश्चन मार्क के साथ शुरू होता है, तो मैच वेरिएबल उस वेरिएबल को इनपुट के साथ बाइंड कर दे। जो थर्ड फोर्थ कंडीशन, अगर पहला पैटर्न का पहला टोकन जो है वो सेगमेंट वेरिएबल है, पैटर्न खुद एक लिस्ट है और उसका पहला टोकन जो है सेगमेंट वेरिएबल है, तो ये मैच सेगमेंट का ये वाला अहम फंक्शन जो है ये कॉल होगा, जो कि सेगमेंट मैचिंग करेगा। तो इसे हम जो है अगली स्लाइड में विद कोड हम असाइनमेंट को जो है वो सॉल्व करेंगे। और हमारी जो फिफ्थ वाली पर्पल वाली कंडीशन थी कि अगर पैटर्न और इनपुट दोनों जो है वो लिस्ट हैं, तो फिर दोनों के फर्स्ट एलिमेंट्स पे भी रिकर्सिव कॉल और दोनों के रिमेनिंग एलिमेंट्स पे, लिस्ट ऑफ रिमेनिंग पैटर्न एंड रिमेनिंग इनपुट के ऊपर भी रिकर्सिव कॉल होगी, और जो फर्स्ट पे कॉल होगी उसका जो आंसर है वो एज ए बाइंडिंग एज थर्ड आर्ग्यूमेंट इस मैच पैटर्न को जो है वो पास होगा। तो अदरवाइज ये पांचों कंडीशन अगर फेल्स होती हैं, मैच नहीं होती, तो ये लास्ट वाला फॉल्स जो है ये रिटर्न कर देगा। ये फॉल्स भी इंपॉर्टेंट है सम सिचुएशन में,
ये फॉल्स भी रिटर्न हो सकता है। तो ये मैच पैटर्न का कोड जो हमने जहन में रखना है और इसे जो हम एक तरह से इतनी हमने इसकी प्रैक्टिस की है कि अब हमें ये जो है जबानी याद हो गया है लास्ट वीक में भी और इस वीक में भी। तो अब हम जो है असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। असाइनमेंट के सोल्यूशन में सबसे पहले ये मैच सेगमेंट का कोड जो है हम लिख लेते हैं साइट के ऊपर। मैच सेगमेंट के कोड में हमारे पास तीन कंडीशंस हैं कि अगर जो है पैटर्न नहीं है तो सारे इनपुट को वेरिएबल के साथ जो है वो बाइंड कर दे। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है ये लार्ज सेगमेंट वेरिएबल है उसके साथ जो है बाइंड कर दे। दूसरा अगर ये लुकअप जो पैटर्न में जो पहला सिंबल होता है वो लुकअप सिंबल है उसे वर्ड के वेरिएबल को असाइन किया और उसे देखा कि वो इंडेक्स इनपुट में किस इंडेक्स पे है। अगर वो इनपुट में मिल जा नहीं मिलता तो फॉल्स हो जाएगा। अगर मिल जाता है तो मैचिंग आगे कंटिन्यू रहेगी और मैच पैटर्न जो है जो पहले वाला सेगमेंट है उसको वेरिएबल के साथ बाइंड कर देगा लुकअप सिंबल के लेफ्ट साइड वाले सेगमेंट को और राइट साइड वाले सेगमेंट को जो है वो उसके ऊपर रिकर्सिवली कॉल हो जाएगा मैच पैटर्न का फंक्शन। और अगर इसका आंसर मैचिंग हो जाती है तो वो मैचिंग रिटर्न कर देगा। अगर मैचिंग नहीं होती तो फिर मैच सेगमेंट दोबारा अपने आप को ये रिकर्सिवली कॉल कर रहा है स्टार्ट में वन इंक्रीमेंट करके जो है मैच सेगमेंट अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा है। अच्छा जी, अब से हम ट्रेस करके देखते हैं ये हमारी कॉल थी, ये हमारा पैटर्न है क्वेश्चन मार्क्स डायरेक्ट माई नेम इज, ये मैच फंक्शन को हमने पास किया है माई नेम इज सेगमेंट वेरिएबल नेम। तो ये जो पैटर्न है ये टोकन्स की फॉर्म में जो है कन्वर्ट होके पास होगा और जो इनपुट है वो भी जो है वो टोकन्स की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होके पास होगा। ये पैटर्न हो गया, ये इनपुट हो गया और जो मैच पैटर्न मैच फंक्शन मैच पैटर्न फंक्शन को पास करेगा वो जो है लिस्ट ऑफ टोकन्स। ये पी जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया मैं उस फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैच पैटर्न की। तो इसमें ये देखें ये जो स्ट्रिंग था ये टोकन्स में कन्वर्ट हो गया, ये पैटर्न हो गया, ये इनपुट हो गया और बाइंडिंग इज इनिशियली नन। तो अब जो है इसमें आप देखें कि लास्ट स्लाइड में हमने पांच कंडीशंस देखी थी, बाइंडिंग जो है फॉल्स है फॉल्स नहीं है, पी और आई दोनों इक्वल हैं इक्वल नहीं है, ये लॉजिकल वेरिएबल है लॉजिकल वेरिएबल नहीं है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है सेगमेंट वेरिएबल है यस, इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है ये सेगमेंट वेरिएबल है। तो ये वाली कंडीशन जो है ट्रू हो गया। जब ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स इसका पहला एलिमेंट इसमें से वेरिएबल का नाम निकाल लेंगे, वेरिएबल ए एज ए वेरिएबल यहाँ पे पास होगा, मैच सेगमेंट ये फंक्शन अब कॉल होने लगा है और जो रिमेनिंग पैटर्न है वो एज एस पी जो सेगमेंट वेरिएबल में ये मैच सेगमेंट में जो पैटर्न पास होता है उसे हम एस पी कहते हैं। तो यहाँ से लेकर ऑनवर्ड जो है ये मैच सेगमेंट में एज ए पैटर्न पास होगा, ये इनपुट पास होगा, ये बाइंडिंग पास होगी और एस की वैल्यू जो है वो जीरो होगी। तो इसके अंदर मैच सेगमेंट ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। अब इसमें देखें कि पैटर्न फॉल्स है, ये एम्प्टी लिस्ट है, ये सेकंड आर्ग्यूमेंट ये है, एम्प्टी लिस्ट नहीं है इसमें, तो माई नेम इज सेगमेंट वेरिएबल नेम ये चार टोकन मौजूद है, एम्प्टी सेगमेंट नहीं है। तो कंट्रोल आएगा नेक्स्ट पे लुकअप सिंबल, वर्ड के वेरिएबल को लुकअप सिंबल कौन सा असाइन होगा, लुकअप सिंबल जो है ये वाला माई जो है फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे, ये जीरो इंडेक्स वाला पैटर्न का जीरो इंडेक्स ये माई है। इसको देखेंगे, इसकी इंडेक्स फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है, ये इसकी लोकेशन देखेगा, इनपुट के स्ट्रिंग में इनपुट वाला आर्ग्यूमेंट कौन सा है, तीसरा आर्ग्यूमेंट कौन सा है, ये पहला वेरिएबल ए हो गया, दूसरा ये पूरा पैटर्न हो गया, ये तीसरा सारा जो है ये स्ट्रिंग, इसमें इसकी पोजीशन माई की पोजीशन जो है वो कहाँ पे, ये माई की पोजीशन है जो कि माई सिंबल की पोजीशन है जो कि वन इंडेक्स पे है, ये वन इंडेक्स पे है। तो ये अगर ना मिलता तो फिर ये फॉल्स हो जाता, अब मैचिंग कंटिन्यू रहेगी, इससे जो लेफ्ट वाला सेगमेंट है वेरिएबल ए से बाइंड हो जाएगा और जो राइट वाला सेगमेंट पे रिकर्सिव कॉल हो जाएगी और जो वेरिएबल ए से बाइंड होगा वो एज ए आंसर वन जो है वो एज ए आंसर जो है एज ए बाइंडिंग जो है वो पास होगा मैच पैटर्न को। तो रिकर्सिव कॉल ऑन द पैटर्न ऑन द राइट सेगमेंट ऑफ द इनपुट एंड द मैचिंग ऑफ दिस वेरिएबल विद द लेफ्ट सेगमेंट ऑफ द इनपुट। तो ये जो हेलो है ये वेरिएबल ए के साथ बाइंड होके यहाँ पे एज ए बाइंडिंग पास हो गया, जो राइट सेगमेंट है इंक्लूडिंग दैट लुकअप सिंबल माई ये जो है मैच पैटर्न को मैच पैटर्न फंक्शन पास हो गया, मैच पैटर्न फंक्शन को पास हो गया और ये पैटर्न जो है ये मैच पैटर्न फंक्शन को पास हो गया। अब वो जो लास्ट स्लाइड वाला हमारा फंक्शन था उसकी पांच कंडीशंस आपने ज़हन में रखी हुई हैं कि पहली कंडीशन बाइंडिंग फॉल्स नहीं है, दोनों इक्वल है नहीं है, तीसरी कंडीशन जो है ये अकेला वेरिएबल है नहीं है, चौथी कंडीशन इसका सेगमेंट वेरिएबल है या नहीं है जैसे यहाँ पे था वो भी फॉल्स हो गई, पांचवी कंडीशन पर्पल वाली दोनों लिस्ट हैं
जब दोनों लिस्टें हैं तो फर्स्ट के ऊपर माई और माई, फर्स्ट ऑफ पैटर्न फर्स्ट ऑफ इनपुट, दोनों के ऊपर कॉल और बाइंडिंग के पास ऊपर कॉल, पहले इस कॉल को ट्रेस करेंगे, इसमें पी और आई दोनों इक्वल हैं, इक्वल वाली कंडीशन, दूसरी कंडीशन ट्रू होगी तो ये बाइंडिंग पास होगी, इस पे जो रिमेनिंग कॉल हो रही है, रिमेनिंग ऑफ पैटर्न, रिमेनिंग ऑफ इनपुट पे ये जो है हमारी रिकर्सिव कॉल हो गई और ये वाली बाइंडिंग जो है ये पास होगी। अब इसमें देखिए अगेन पर्पल वाली कंडीशन, फिफ्थ वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, पी और आई दोनों लिस्टें हैं, तो फर्स्ट नेम और फर्स्ट ऑफ पैटर्न भी नेम है, फर्स्ट ऑफ इनपुट भी नेम है, दोनों के नेम और नेम और बाइंडिंग पास हुई। इसमें इक्वल वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये बाइंडिंग एज इट इज पास होगी, इज नेम और इज आसिफ अली खान, इसके ऊपर रिकर्सिव कॉल मैच पैटर्न की। तो अब इसमें देखें कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है मैच पैटर्न की, पांच कंडीशन थी, बाइंडिंग फॉल्स है नहीं है, पी और आई दोनों इक्वल है नहीं है, ये अकेला सेगमेंट वेरिएबल है पैटर्न नहीं है, इसका फर्स्ट एलिमेंट सेगमेंट वेरिएबल है नहीं, इसका फर्स्ट एलिमेंट अभी इज है सेगमेंट वेरिएबल नहीं है, तो फिर कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, वही पर्पल वाली लास्ट वाली, दोनों जो है वो लिस्टे हैं, तो फिर कंट्रोल ऑफ एक्सिक्यूशन विल गो टू द फर्स्ट ऑफ पैटर्न, फर्स्ट ऑफ इनपुट, उसके ऊपर कॉल होगी, इज इज दोनों इक्वल है, सेकंड वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये जो है रिमेनिंग के ऊपर जो कॉल हो रही है उसमें ये बाइंडिंग एज ए थर्ड आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। अब इसमें देखें कि कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है इस पैटर्न में, इसमें जो है फोर्थ वाली हमारी कंडीशन के व्हेन फर्स्ट एलिमेंट इज अ, व्हेन फर्स्ट एलिमेंट इज अ सेगमेंट वेरिएबल, ये फर्स्ट एलिमेंट जो है ये सेगमेंट वेरिएबल है, क्वेश्चन मार्क्स टैरिक से जो सिंबल शुरू होता है वो सेगमेंट वेरिएबल होता है। तो अब ये मैच सेगमेंट को पास होने लगा है, ये नेम ये बीच में से टोकन निकल जाएगा, तो ये जो सेकंड आर्ग्यूमेंट पैटर्न है इसको ये एम्प्टी स्ट्रिंग जो है, एम्प्टी लिस्ट जो है वो पास होगी। ये देखें जो सेगमेंट मैच में सॉरी जो मैच सेगमेंट में ये फंक्शन पास, सेकंड आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, ये इस पैटर्न में से वेरिएबल का नाम निकल गया, ये खाली लिस्ट पास हो रही है। तो इसमें आप देखें कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, ये नॉट, लॉजिकली जब ये एम्प्टी लिस्ट को नॉट बुलियन में कन्वर्ट करेंगे एम्प्टी लिस्ट को तो फॉल्स होती है, नॉट उसको ट्रू कर देगा, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी ग्रीन वाली के पैटर्न है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि जितने का जितना इनपुट है सारे का सारा इनपुट विद द वेरिएबल मैच वेरिएबल से जो है वो बाइंड कर दें, मैच वेरिएबल में ये हमारे पास नेम है और इनपुट में आसिफ अली खान है, तो ये पूरा सेगमेंट जो है ये नेम लॉजिकल वेरिएबल के साथ बाइंड हो जाएगा, ए ऑलरेडी हेलो के साथ बाइंड है तो ये नेम जो है आसिफ अली खान के साथ जो है ये बाइंड हो जाएगा। तो आई होप कि ये अंडरस्टैंडेबल था, और इसकी हम एग्जाम्पल जो हैं वो लास्ट वीक में भी कर चुके हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम जो है इसका स्टूडेंट के स्टडी जो है वो हम शुरू करते हैं, जिसमें ये सेगमेंट मैचिंग मॉड्यूल जो है ये यूज होगा, लेकिन हम इसे मजीद हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लिप में जो है देखते हैं।